प्रिय विद्यार्थीगण, हम अपने पिछले कक्षाओं में अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श से भी कुछ सीखे हैं और व्याकरण अंश से भी कुछ सीखे हैं। और हम अपने पिछले कक्षाओं में अलंकार के बारे में जाने हैं और समझे हैं। और इसके अलावा हम अलंकार के जो भेद हैं उसके बारे में भी जाने हैं और समझे हैं। और हम शब्द अलंकार के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। इसके अलावा अर्थालंकार के लिए कुछ भेद को हम विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। अब हम अर्थालंकार के जो बचे हुए भेद हैं उसके बारे में विस्तार से जानते और समझते हैं। अर्थालंकार के भेद चार। मानवीकरण अलंकार, अर्थात अंग्रेजी में हम उसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं, जहाँ जग अर्थात जिसमें जीव न हो, पर चेतन जो कि जिसमें जीव हो का आरोप अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन थन के समर के, तो यहाँ मेघ का मानवीकरण हुआ है। यहाँ मेघ अर्थात बादल को सजीव दर्शाया है। मेघ को बड़े बनठन के आने की बात कही गई है, अर्थात सज संवर के आने की बात कही गई है। ये सब क्रियाएं मनुष्य की होती हैं, मेघ जैसे जड़ वस्तु की नहीं होती। अर्थात यहाँ बादल का मानवीकरण किया गया है। नंबर फाइव, अतिशयोक्ति अलंकार, जिसे अंग्रेजी में हाइपरबोल कहते हैं। जब किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पोंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ हनुमान के जो महिमा है उसे बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। ऊपर दिए गए उदाहरण में कहा गया है कि कभी हनुमान की पोंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। यहाँ हनुमान की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। अर्थात यदि हम किसी भी चीज को, वस्तु की को, किसी के कार्य को बढ़ा चढ़ाकर कहें तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि हनुमान के पूंछ में आग लगने से पहले ये पूरी लंका जलकर राख हो गई। अर्थात यहाँ हनुमान की जो महिमा है, जो लंका जलाने की बात है, वह बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। जैसे कि कोच में आग लगने से पहले ही लंका का जल जाना तो यह संभव नहीं है। यह तभी संभव है जब हम किसी को बढ़ा चढ़ाकर कहें। तो इस प्रकार से हम अलंकार को पूरी तरह से जान व समझते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी विस्तार पूर्वक जान व समझ चुके हैं होंगे। और हमारे अगले कक्षा में हम कुछ गृह कार्य करेंगे और उसके साथ ही साथ कुछ वर्कशीट भी आप लोगों को दी जाएगी, जिसे आप लोगों को खुद ही हल करने होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सफलतापूर्वक अर्थात सही सही हल कर पाएंगे। धन्यवाद।